चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ लिक्विड इज कंटेन्ड इन अ वर्टिकल ट्यूब ऑफ अ सेमी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एज शोन इन फिगर। द कॉन्टैक्ट एंगल इज जीरो, करेक्ट, ठीक है, और द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ऑन द स्ट्रेट पार्ट एंड फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ऑन कर्व पार्ट। देखो इसमें सबसे पहले देखो सरफेस टेंशन का इक्वेशन क्या होता है, पता है ना सबको? सरफेस टेंशन का इक्वेशन होता है S इज इक्वल टू एफ अपॉन एल, S इज इक्वल टू एफ अपॉन एल, और अगर मैं L को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। अच्छा ये स्ट्रेट पार्ट है ऊपर वाला, अगर ये R है तो ये भी R होगा, तो टोटल 2R होगा स्ट्रेट पार्ट। क्वेश्चन है क्या रहा ना, स्ट्रेट पार्ट का सरफेस टेंशन निकालना है, तो इस पहले वाले पार्ट में L की वैल्यू 2R हो जाएगी, और कर्व पार्ट में, कर्व पार्ट ये वाला पार्ट है, अगर इसका रेडियस कैपिटल R है तो कर्व पार्ट एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का लेंथ कितना होगा, पाई आर होगा, सर्कल का 2πr होता है सर्कमफ्रेंस, इसका पाई आर होगा, तो इसका L की वैल्यू पाई आर हो गई। तो अगर मैं दोनों का स्ट्रेट पार्ट का सरफेस टेंशन इनटू स्ट्रेट पार्ट का लेंथ और कर्व पार्ट का फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, तो दोनों केसेस में सेम है, ठीक है, तो कर्व पार्ट का तो fs यानी स्ट्रेट पार्ट अपॉन fc यानी कर्व पार्ट का, तो s ls अपॉन s lc, s s कट गया सरफेस टेंशन दोनों साइड से, स्ट्रेट पार्ट डिवाइडेड बाय कर्व पार्ट फोर्स, ठीक है, तो ls अपॉन lc, ls की वैल्यू क्या है स्ट्रेट पार्ट की, 2R है ना, LS की वैल्यू LS इज इक्वल टू 2R और LC कर्व पार्ट का पाई आर, वैल्यू पुट कर दो 2R अपॉन पाई आर, R से R कटा, सो FS अपॉन FC इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई, करेक्ट, आई थिंक ये ऑप्शन, ये वाला सही ऑप्शन है, 2 बाई पाई, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।